दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें कुछ कभी टाइप करना होता है तो हम बहुत ही परेशान से हो जाते हैं कि यार इतने बड़े टॉपिक हमें अगर हमें मिला है कोई बड़ा सा टॉपिक, अगर हमको उसको सिस्टम पर टाइप करना है तो हम लोग परेशान से हो जाते हैं कि कैसे इतना बड़े टॉपिक को कितना समय लगेगा, कब तक टाइप करेंगे, और बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो भी तरीका, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है दोस्तों। अगर आपको जानकारी इसकी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप पहले से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप इसे सीख सकते हैं कि कैसे होता है। दोस्तों जनरली होता क्या है, ये कोई ट्रिक या कोई एप्लीकेशन या किसी भी मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर निजात नहीं है कि मैं इसको आपको बता रहा हूँ। बस जनरली एक ऐसा ही क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र में एक ऐसा फीचर है जो जनरली हम लोग बस केवल किसी भी साइट को ओपन करना होता है उसको यूज़ करते हैं, उसके जो अंदर के फीचर नहीं जान पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कुछ बोलते हैं, सपोज़ आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, वो भी बहुत ही तेज़ी से, आप समझ सकते हैं बहुत ही तेज़ी से कैसे होगा। तो आज हम वो तरीका आपको बताएंगे। दोस्तों आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें सब्सक्राइब करने से दोस्तों बेनिफिट होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, बस केवल आपका रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से जो बेनिफिट होगा कि आपको जितने में मैं इसमें वीडियोज़ डालता रहूँगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको तुरंत बतुरंत मिलती रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ते, सबसे पहले आप क्या करिए, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। चलिए अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको कुछ खोलने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सर्च बॉक्स में कुछ टाइप करें, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप जनरली यहाँ देख सकते हैं आपका क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है, यहाँ पे जो आपका जीमेल है, इमेजेस है, यहाँ पे बहुत सी बिंदियाँ आपको दिख रही हैं, हालाँकि 9 बिंदी है। यहाँ पे आप जब कर्सर ले जाएंगे तो एक हैंड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है गूगल ऐप्स। जैसे आप इस पर ले जाएंगे वहाँ पर लिख के आएगा नीचे गूगल ऐप्स, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस, ढेर सारे ऑप्शंस खुल के आपके सामने आते हैं, नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपको ट्रांसलेट, एक क्रोम के कुछ एप्लीकेशन होते हैं यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रांसलेट जो है लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। चलिए हमने ट्रांसलेट पर क्लिक कर रखा है, अभी देखिए हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो विंडोज़ या जो पेज हमारे सामने खुल के आया है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट पहले से ही हैं, कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉक्स है, और दूसरा बॉक्स देख सकते हैं यहाँ से जो बॉक्स थोड़ा पूरा भरा भरा हरा कलर का, यहाँ से इस बॉक्स को आप देख सकते हैं। इसका मतलब इस बॉक्स में आप जो भी टाइप करेंगे या जो भी आप कहेंगे सेम उसी का ट्रांसलेशन इस वाले बॉक्स में आपको दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लैंग्वेजेस कुछ हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, और यहाँ से मतलब दो तीन लैंग्वेज इसने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपने सपोज यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा पहले से, ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं हाईलाइट भी थोड़ा सा है, यानी कि यहाँ से आप जो करेंगे आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में टाइप करना है, उसका आपको रिजल्ट किस में प्राप्त करना है, हिंदी में या किसी और भी लैंग्वेज में, तो यहाँ से आप चुन सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे भी दो तीन लैंग्वेज सेट है पहले से, यहाँ पे इस वाले एरो के निशान पर आइए, ढेर सारे लैंग्वेजेस आपको दिख रही हैं, यहाँ से आपको किस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ से हमने पहले बॉक्स में सेलेक्ट कर रखा इंग्लिश, यानी इंग्लिश से हमको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो चलिए यहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाईलाइट इंग्लिश में है, यहाँ से थोड़ा हाईलाइट हिंदी में है, यानी इस वाले बॉक्स में आप इंग्लिश में टाइप करेंगे या कुछ बोलेंगे उसका ट्रांसलेशन इस वाले बॉक्स में हिंदी में होगा। तो चलिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। दोस्तों हाँ, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे जनरली से हम लोग टाइप कर देंगे, आप अपने फिंगर्स टाइप करते हैं, हाँ हेलो क्या कैसे, उसका ट्रांसलेशन उस वाले बॉक्स में दिखा। जो दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा वो है कि आप बोल के, आप हिंदी में बोलती हैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता, सॉरी आप इंग्लिश में बात करते हैं उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में होगा, तो इस वाले माइक पे आप क्लिक कर लीजिए। अभी देखिए आप इस वाले माइक पे आपने क्लिक कर रखा, सॉरी
आवर कैप्टन एंड कुंदन केम एज द ओपनिंग बैट्समैन। आर यू गोइंग टू मार्केट? नो आई विल नॉट गो। What are you doing? Okay. I will go there. Will you not go there? When will you go there? The days are gone. Gone are the days. तो दोस्तों आपने देखा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमने अभी बोला सेम उसी का रिजल्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप जो भी बोलती हैं यहाँ पे इंग्लिश में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होके आपको यहाँ पे ट्रांसलेट होके हिंदी में आ जाता है उसका मीनिंग, यानी आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हो। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप कुछ बोले, मान लीजिए एक वाक्य आपने बोला, आर यू गोइंग टू मार्केट, आपने इंग्लिश में बोला, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, उसी को दोस्तों उसके बाद जो दोबारा वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, दोबारा वाक्य जो बोलते हैं, वो वाला वाक्य आपको पहले ही डर देता है, यानी जो आपने पहले बोला था उसको पीछे खिसकाता चला जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात होती है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो सजेस्ट एंड एडिट है, इस पर क्लिक कर लीजिए, जो आपको हटाना है हटा दीजिए, हालांकि ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती हैं, आप जिसको हटाना हटा दीजिए, आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ से बोल के टाइप करके आप कहीं भी किसी भी चीज़ को, आपको प्रेजेंटेशन आपको देना है जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा दिक्कतें का मतलब वो दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे शब्द हो जाते हैं, वो बढ़िया से जब नहीं हो पाते तो थोड़ा आगे पीछे शब्द हो जाते हैं, आप उसको थोड़ा अरेंजमेंट कर लीजिए, किसको हटाना किसको नहीं, आप यहाँ से इस तरीके से आप हटा सकते हैं, जो भी आपको ना हटा के जो भी आपको लेना है वर्ड्स सॉरी उसको आप ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इस वाले वर्ड सॉरी इस वाले बॉक्स में आपने देखा, जो भी मैंने बोला उसको यहाँ पे टाइप करते चला गया ऑटोमेटिक उसका हिंदी, भले ही वो जो शब्द हमने बोले वो थोड़ा पहले टाइप कर दिया, बाद वाला पहले कर दिया, और जो हमने पहले बोला उसको बाद में कर दिया, उसी को हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ये तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीका, आप किसी भी वर्ड से किसी भी वर्ड में आप ट्रांसफॉर्मेशन उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखा, इससे मैंने आप बोला है मैं नहीं जाऊँगा, आप ठीक हैं, मैं वहाँ, तुम वहाँ नहीं, तुमको वहाँ नहीं जाना होगा, ये सब क्या क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और तुम वहाँ तुमको जाना होगा, सब चला गया है। जैसा कि मैंने बोला गॉन आर द डेज, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है कि वो जमाने चले गए, या वो दिन चले गए, या चले गए वो दिन, जिस भी शब्द में आपको उसको यूज़ करना है उसका, दो देखिए आप क्या रिजल्ट निकला, चला गया है दिन, यानी वो दिन चले गए, द डेज आर गॉन, या गॉन आर द डेज का मतलब, इसे हम लोग जनरली बोलते हैं, कह रहे वो दिन चले गए जब हमें काम किया करते थे, वो दिन चले गए, सेम उसी प्रकार उसका रिजल्ट देता है, थोड़ा आगे पीछे धो सकता कर दे, लेकिन आपको लगभग 90% आपको बढ़िया से रिजल्ट मिल जाता है, इस तरीके से आप बोल के आप टाइप कर सकते हैं, जिस भी वर्ड से जिस भी वर्ड में आपको बोला उस तरीके से आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।